खबर तहलका की टीम हरियाणा विधानसभा चुनाव में गांवों और शहरों के चुनावी मिजाज को जानने के लिए लगातार सर्वे कर रही है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम आ पहुंची है पंचकुला के गांव अभयपुरा में। यहां से कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी चंद्रमोहन बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता को टक्कर दे रहे हैं। पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में चौधरी चंद्रमोहन ने बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानचंद गुप्ता की नींदें उड़ा रखी है। आइए देखते हैं लोगों का क्या कहना है यहां के प्रत्याशियों को लेकर। अभयपुरा से तानिया रोहिला की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तानिया रोहिला। आप देख रहे हैं खबर तहलका। खबर तहलका आज आ पहुंचा है अपनी चुनावी यात्रा को लेकर अभयपुर क्षेत्र में। आइए जानते हैं यहां के लोगों से क्या है उनका मानना यहां के चुनावी माहौल को लेकर। आप विधायक के रूप में यहां से किसको देखना चाहते हैं? चंद्रमोहन जी को देखना चाहते हैं। लास्ट टाइम जो ज्ञानचंद गुप्ता जी थे, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। यहां पानी इकट्ठा हो जाता है, राशन हमारा खराब हो जाता है, पानी अंदर आ जाता है, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। बच्चों के लिए उन्होंने कुछ किया ही नहीं, एजुकेशन के लिए स्कूलों के हम धक्के खा रहे हैं, कुछ ही नहीं मिलता बच्चों के लिए। आपने क्या कभी शिकायतें उनके सामने रखी? रखी थी, कुछ नहीं हुआ। समस्याओं का तो कोई समाधान नहीं हो रहा है जी। अभयपुर में हमेशा सीवरेज की इतनी ब्लॉकेज दिक्कत रहती है, गलियों से निकलना दुर्भर हो रहा है, हर तरह की दिक्कत हो रही है हमें। पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से MLA के रूप में किसका चेहरा देखा? चंद्रमोहन जी का ही क्यों? चंद्रमोहन ने हमारे पार्क बनवाया, स्कूल बनवाया, पहले बहुत काम करे, यहाँ पहले थे, अब बढ़ेंगे, अब भी रोड कटेंगे, हमारे गलियों में पानी भरता है। आपको लगता है कि आने वाले समय में भी वो ये सब विकास कार्य जारी रखेंगे? जारी रखेंगे, ऐसे क्यों नहीं करेंगे, जो हम कहेंगे उनको करेंगे ही, ऐसी बात होगी ना। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, तो आप अपना वोट अभी किन तथ्यों के आधार पर देने वाले हैं? भाई चंद्रमोहन जी को, वो उनके पिताजी ने वो काम कराया है पहले यहाँ पंचकुला में, हमारी चार पांच दिक्कत है जहाँ पे पानी खड़ता है बहुत ज्यादा, जब बारिश आती है ना ही सीवरेज का बहुत गंदा पानी आता, स्मेल आती है, बैठा नहीं जाता दुकानों पे, इधर से मतलब कि लोग आने जाने को वालों को बहुत तकलीफ आती है, जैसे कि मान लो बारिश आती है अंदर पानी चला जाता है दुकानों में, तीन तीन फुट पानी खड़ा जाता है, गाड़ियों में पानी चला जाता है, पीछे पिछली बार 10-12 हज़ार का खर्चा आया है मेरी गाड़ी पे, खुद जहाँ खड़ी थी उसके अंदर पानी चला जाता है, इसलिए हम चंद्रमोहन जी को जाना चाहते हैं। ऐसा है मैडम, यहाँ पे भजन लाल जी का पंचकुला का काफी सहयोग रहा है, और जी का बालक है मोहन जी, और बहुत मिलन सारा हम लोग, और उसकी पर्सनल जो हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।